इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। इसमें जो मोदी जी की मिमिक्री और जो WHO के ऑफिशियल्स की मिमिक्री की गई है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, किसी की भावना को आहत करना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। इस रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वाले रंग बिरंगे लॉकडाउन की कुछ अतरंगी और क्रैकिंग न्यूज लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं आपके सामने। लगभग 40-42 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज बेवड़ों की प्रार्थना कबूल हुई और आज पूरे देश में चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, हर जोन में दारू की दुकानें खुल गई और बेवड़ों ने कैसा स्वागत किया इस बात का जरा देखिए। पूरे बैंड बाजे और जबरदस्त तैयारी के साथ लोग शराब की दुकानों पर खड़े हैं। आज सारे बेवड़ों के अंदर एक मनमोहन सिंह पैदा हो चुका है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का ठेका लेगा शराब के ठेके पर खड़े होकर। वो लोग जो पिछले 40 दिनों से घरों में बंद है और राशन की दुकान तक जाने में जिनकी नानियां मर जाया करती थी, जो कि राशन की दुकान पर खड़ी लाइन देखकर घर आ जाया करते थे, आज वो 2-3 घंटे इत्मीनान से लाइन में खड़े हैं। एक तरफ तो बेवड़ों को खुशी की सौगात मिली है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे देश को अब न्यूयॉर्क, इटली और फ्रांस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेवड़े सड़क पर उतर चुके हैं और क्या हाल होगा हमारे मुल्क का ये आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। क्योंकि 1000 केसेस थे तब लॉकडाउन किया गया, शराब की दुकानें बंद की गई और अब जब 42,000 केसेस हैं तो दुकानें खोल दी गई, तो इस अतुल्य भारत में जो हो वो कम ही है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस साल की शुरुआत में हम लोग टीवी पर एक शो देख रहे थे, बिग बॉस। उसमें एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट थे, चड्डी पहन के फूल खिलाया करते थे, तो उनकी इस चड्डी पहन के फूल खिलाने वाली एक्ट को WHO के जो हेड हैं, जिन्होंने चाइना का बचाव किया था, उन्होंने रिकमेंड किया है मिस्टर चड्डी चुकला को नोबेल के लिए, ऑस्कर के लिए। जरा स्टेटमेंट सुनिए WHO ने जो रिलीज किया है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मैं बिग बॉस नहीं देखे, बट मैं सुना है कि एक चड्डा एंड टी शर्ट, वो भी बगैर धोए, आप 100+ डेज तक उसको पहन सकते हैं एंड कोई इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है, ऐसा हम लोगों को पता चला है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई विल स्पीक टू WHO एंड नोबल सो दैट मिस्टर चड्डा चुकला को अवार्ड दिया जाए। एंड आई मस्ट से मिस्टर चुकला का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, मैं ट्राई करूंगा कि मिस्टर चड्डी चुकला को चड्डी पहन के फूल खिले है कैटेगरी में अवार्ड दिया जाए, नोबल पीस प्राइज उसके पीस कर करके इधर से उधर से ला के। या वाह भैया, ये बात तो सही है यार, अगर 100 दिनों तक कोई चड्डा पहन के घूम रहा है उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और 100 दिनों तक चड्डा पहनने का जो ट्रेंड सेट किया है चुकला ने, वो पूरी दुनिया आज उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो चुकला के इस अचीवमेंट के ऊपर मोदी जी ने भी कुछ कहा, जरा सुनिए। साथियों, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से। चड्डी चुकला ने 100 दिन तक एक चड्डे और एक टी शर्ट में दिन काटे हैं। मैं तो कहता हूँ उन्हें ऑस्कर नोबल ही नहीं, भारत रत्न भी दे दो। वाह यार, मोदी जी ने भी बोल दिया तो फिर हमको तो चड्डी चुकला जिंदाबाद बोलना ही पड़ेगा। बताइए यार, किस इंसान के लिए कितना टफ हो सकता है एक चड्डे और टी शर्ट में सर्वाइव करना। एक बंदे ने 100 दिन करके दिखाया और अब हम लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हुए 40 दिनों तक चड्डे और टी शर्ट में ही
मतलब एक जोड़ी कपड़े में सरवाइव करना सीख गए हैं थैंक्स टू मिस्टर चड्डी चुगला। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने कहावत सुनी होगी, कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ इंदौर में बटा है। इंदौर के अंदर एक लड़की थी, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अथॉरिटीज उसके घर पे आई और उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन में भेजा। उसी समय उन्हें पता चला कि इस लड़की का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। उस बॉयफ्रेंड को ढूंढा गया, बाद में उस बॉयफ्रेंड का टेस्ट हुआ, वो बॉयफ्रेंड और उसका परिवार पॉजिटिव। अथॉरिटीज ने उनको भी क्वारंटाइन में भेजा। तब पता चला इस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है, उसे ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम काम पर लगा। पता चला वो लड़का भी पॉजिटिव है, उसकी भी फैमिली पॉजिटिव है। एक लड़की ने दो लौंडों को प्यार का प्रसाद बांटा, पता चला एक तीसरा लड़का और है। उस लड़के को ढूंढकर, उसकी फैमिली को ढूंढकर टेस्ट वगैरह करा गया, पॉजिटिव पाया गया। पूरी फैमिली क्वारंटाइन में की गई। तब पता चला ये तीसरा बॉयफ्रेंड है, इसकी भी एक और गर्लफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड और उसका पूरा परिवार भी पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से प्यार का कद्दू कटा और तकरीबन 30-40 लोगों में बटा। खैर प्यार मोहब्बत से चलते हैं शादी की गलियों में। लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहती है सरकार। ऐसे में एक शादी हुई और इस शादी में वरमाला की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे पूरी की गई जरा देखिए। तो देखा आपने किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और वरमाला डालने के लिए दूल्हा दुल्हन जो है वो डंडे का प्रयोग कर रहे हैं। जनता के मन में ये उत्सुकता है कि सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही तो शर्मा की मेरी बाहों में। ये जो प्रक्रिया हुई होगी तो फिर डंडे से घूंघट उठाया होगा या फिर हाथों से। ओह माय गॉड, क्या जनता की उत्सुकता सिर्फ यहीं तक है? आगे का जो कार्यक्रम हुआ होगा उसका परिणाम तो कुछ समय के बाद पता चल ही जाएगा। खैर डंडे से ही जुड़ी एक और अतरंगी खबर यह है कि कई साल पुराने घुटनों के दर्द जो कि मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर वगैरह भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसे दर्द को पुलिस का डंडा जबरदस्त तरीके से ठीक कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो जरा देख लीजिए। देखा आपने पुलिस के डंडे का चमत्कार। इस लॉकडाउन में पुलिस न सिर्फ नियमों का पालन करवा रही है बल्कि कई साल पुराने रोग भी ठीक कर रही है भारतीय पुलिस। इसी इनक्रेडिबल इंडिया को फिलहाल रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा जा चुका है, जहां पर कि ग्रीन जोन वाले बहुत खुश है क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट सारी चीजें ओपन हो रही है फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। वहीं रेड जोन वालों के गुर्दे छिले हुए हैं, जस्ट लाइक मी, मैं भी रेड जोन में हूँ। रेड जोन वाले सोच रहे हैं कि हमसे का भूल भाई, जो ये सजा हमका मिली अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बोला, चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, हर जगह पर बेवड़ों की चांदी चांदी, क्योंकि शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, गुटखा तंबाकू खाने वालों की भी दुकानें खुल चुकी हैं। गुटखा से हमको याद आया, जितने भी गुटखा प्रेमी लोग हैं जो कि आहा आहा खाते हैं फिर थूकते हैं तपातप शहर में, तो ऐसे जितने भी गुटखा प्रेमी लोग हैं जो कि यूपी बिहार जगह जगह रहते हैं, और अगर वो ग्रीन जोन में भी हैं तो वो थूक थूक कर अपने शहर को रेड जोन में कन्वर्ट कर ही देंगे। खैर लाल हरे से अब जरा ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो लेते हैं। ऑरेंज यानी संतरी कलर यानी कि भगवा रंग, जो कि ऑलरेडी काफी लोगों के गुर्दे छील रहा है, तो ऐसे में काफी डर का माहौल है और पता नहीं क्यों लोगों को भगवा कलर से यानी संतरी कलर यानी ऑरेंज कलर से बहुत डर लग रहा है। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि कई लोग कह रहे हैं कि रेड जोन और ग्रीन जोन ही रखना था, ऑरेंज जोन काहे रखा, इससे नफरत फैलता है। गवर्नमेंट नीड टू स्प्रेड लव, व्हाई स्प्रेडिंग हेट्रेड, व्हाई स्प्रेडिंग नफरत,
बिकॉज ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा कम्युनल होता है, इतना ज़्यादा फोबिया बढ़ चुका है ऑरेंज कलर के प्रति कि अब तो लोगों ने जलेबी को भी हरे रंग में रंग कर खाना शुरू कर दिया है। ऑरेंज कलर से लोगों में बढ़ती हुई नफरत को देखते हुए मिरिंडा, फेंटा और पेप्सी की जो कंपनी जो कि ऑरेंज फ्लेवर्स बनाती हैं, उन लोगों ने तय किया है कि अब हम ऑरेंज फ्लेवर बंद कर देंगे या फिर उसमें भी हरा रंग डालकर पुदीन हरा फ्लेवर मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो भैया ये थी कुछ अतरंगी रंग बिरंगी क्रैकिंग न्यूज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो इन खबरों पर मैं फिलहाल के लिए लगा देता हूँ ब्रेक। तो ये अतरंगी समाचार हम यहीं खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस की आपको नहीं लग रहा कि चड्डी चुगला को नोबल, ऑस्कर, भारत रत्न सब मिलना चाहिए। इस बंदे ने साल की शुरुआत में जो ट्रेंड सेट किया पूरी दुनिया उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। लोग घरों में कैद होकर चड्डी टी शर्ट में ही कैद होकर रह गए। उनके जो महंगे कपड़े उन कपड़ों पर तो जाले लग चुके हैं, धूल मिट्टी की काफी गहरी परत जम चुकी है कपड़ों के ऊपर। और क्या आपको नहीं लगता कि ये जो गुटखा की दुकानें शुरू की गई, पान, गुटखा, बीड़ी, शराब और ये सब, इनसे कोरोना के केसेस भी बढ़ेंगे। लोग जगह जगह खाके थूकेंगे, ग्रीन जोन को रेड जोन में तो बनाएंगे ही, कोरोना के केसेस भी नए पैदा करेंगे। अरे शर्मा जी रुकी जा, आ बताओ यार, अरे वाह क्या बात, जबरदस्त, आ हा हा, ऐसा करके वो कोरोना के केसेस भी पैदा करेंगे ये लोग। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने ये काफी गलत है, क्योंकि 1000 केसेस पे आपने सब बंद कर दिया, 40,000 केसेस पे आप रीओपन कर रहे हो। ऐसा करके कहीं ना कहीं हम लोग इटली, न्यूयॉर्क की रेस में शामिल ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है। मजाक मस्ती में हमसे बोलते रहते कि शराब की दुकान खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया है हमारी सरकार ने इन दुकानों को रीओपन करके, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ रही है, तो केसेस भी बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएस के डॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।